एक आदमी ने मुझे पैसे दिए और कहा कि इसे बर्लिन छोड़ा और उसने मेरी गाड़ी ले ली और अपनी गाड़ी मुझे दे दी। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, बस झूठ बोलने का अंजाम देख लिया। कदमों के निशान इस तरफ जा रहे हैं, खून भी फैला हुआ है, उसे जरूर बहुत गहरी चोट लगी होगी। हाँ, हमें इन सब की अदालती जांच करवानी होगी। सारे सबूत यहाँ है, बस लाश ही नहीं है। पता नहीं लाश कहाँ है, बहुत पेचीदा मामला है। सर देखिए इस जैकेट को, सरकारी मामला लगता है।
शॉन, तुमसे बात करनी है, अंदर आ जाओ, जरा गाड़ी में घूमते हैं। मामला बहुत बुरा है क्या? अगर हम उसे नहीं पकड़ पाए तो और बिगड़ जाएगा। तो मैं और क्या करूं? मैंने उससे 20 मिनट तक बात की। उसने मुझसे कहा कि वो काम के सिलसिले में जर्मनी जाना चाहता है और उसके बाद पता नहीं कहां। मैं तुमसे इतना ही कह रहा हूं कि तुम उसे फोन करो और किसी तरह यहां ले आओ, बस यही। हेलो शॉन, मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ कहो। तुम्हें याद है डैड की दोस्त हुआ करती थी, अगाथा शेयर वाटर? हाँ। मेरे पास एक पैकेट है उनके लिए। उनसे कहना कि वो इस पैकेट को खोलकर मुझे बताएं कि इसमें क्या है। जॉन, एक और बात, मेरा दोस्त बॉरिस याद है जो मेरे डिपार्टमेंट में था, उससे कहना मैं उसे फोन करूंगा। सुनो जॉन, यहाँ कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हारे साथ बैठकर देखना चाहता हूँ। डैड की कुछ चीजें जो उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ी हैं। जब तक तुम नहीं आते हम ये ऑफिस बंद नहीं कर सकते। तुम वापस आ सकते हो? कह नहीं सकता, बस एक दो दिन के लिए, ये जरूरी है, बहुत जरूरी। बाद में आने की कोशिश करूंगा। सुनो जॉन, तुमने अच्छी कोशिश की जॉन। हेलो। नॉर्थ टर्मिनस के पास एक छोटी सी गली है, तुम उसे ढूंढ पाओगी? हाँ। उसके दूसरी तरफ एक पुरानी इमारत है, मैं वहीं रहूंगा। मैं 10 मिनट इंतजार करूंगा और उसके बाद चला जाऊंगा। टाइम पर आना और अकेली आना। और मेरी बेटी, उसका भी तो ख्याल रखना है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। उसे कुछ नहीं होगा, तुम अपना ख्याल रखना। काश ऐसा ही हो, उसके अलावा मेरा और कोई नहीं। मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलती हूँ, गुड बाय। मेरे मालिक को न आने का अफसोस है, उस बेवकूफ से अपने भाड़े की कार चलवाना कमाल की चाल थी। उम्मीद है मेरी खातिर बहुत ज्यादा पैसे खर्च हुए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तुम कुछ कुछ रे चार्ल्स जैसे दिखते हो, लेकिन रे तुम्हारे जैसा अच्छा निशानेबाज नहीं था। तुमने ठीक कहा, कहो क्या कर सकता हूँ। चलो नीचे चलकर बताता हूँ, और चले। जैरेड ने तुम्हें भेजा, ऐसा ही समझ लो। तुम्हें फ्रांस में ही रहना चाहिए था, कम से कम ये मामला सामने तो नहीं आता ना। एक बात बताओ, क्या जैरेड ओलमफेड ने तुम्हें पैकेट के लिए भेजा है? ये किस पैकेट की बात कर रहे हो तुम? छोड़ो यार, चलो मुद्दे की बात पर आते हैं। तुम्हें करारे नोट पसंद है? हाँ, बहुत अच्छे, हरे हरे नोट, करारे करारे। वो तुम्हें जितना पैसा दे रहा है मैं उससे 10 गुना ज्यादा दूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है, दुनिया के शातिर और बदमाशों के विदेशी अकाउंट्स की डिस्क मेरे पास है। मेरा साथ दोगे तो बहुत पैसा कमाओगे। लेकिन अभी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना? काफी कुछ है। वाह,
कोई मौका नहीं छोड़ते। अगले दो मिनट के लिए अब सब कुछ तुम पर है। गड़बड़ की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मुझे जेरेड ओलिफेंट की कोई परवाह नहीं है, मेरी बला से वो मरे या फिर जिए। और वो तुम्हारा आदमी डुबा था ना, जब मैंने उसे गोली मारी तो पता है वो कैसे चिड़िया की तरह खिड़की के बाहर उड़ गया। कैसा लग रहा है? अभी तक तो ठीक ठाक है, अंदर से कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है। सब ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? कोई गड़बड़ नहीं है, सही बंदे हो, सही बंदे हो। लगता है हम खजाने के काफी करीब हैं। संभल के मिस्टर गोल्ड, मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। से ये पूछना बेकार होगा कि तुम्हें किसने भेजा है। हाँ, कोशिश बेकार है। मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे रास्ते अब बंद हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अपने कजन डिलबर्ट की याद आती है जो यही बुगलू में। छोड़ दिया और तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, तो ठीक है। के साथ कहता हूं, इतना बढ़िया शॉट मैंने बरसों से नहीं देखा। मार्के ने भेजा है? हमारा प्यारा दोस्त मार्के बेचारा भी मौत मारा गया। मुझे तुम्हें बताते हुए अफसोस हो रहा है, मैं जानता हूं तुम उसके काफी करीब थे। कुछ तो गड़बड़ है, तुम बदले बदले लग रहे हो। तुम भी कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे।
मुझे तो रिवियरा में होना चाहिए। मेरी माँ ने जब से समुद्र दिखाया मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी। किनारे को सहलाती लहरें, डूबता हुआ सूरज और मेरे हाथ में शैंपेन। चलो अब परियों की कहानी खत्म हुई। बताओ पैकेट कहाँ है? कौन सा पैकेट? तुम्हारी छिपने की जगह खत्म हो रही है दोस्त। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये जगह ऐसी ही ढूंढ ली? तुम जैसे मासूमों का इस खेल में कोई काम नहीं। खैर लगता है तुम्हारे दिन पूरे हुए डुआ। मेरेडिथ ने तुम्हें मुझे मारने भेजा पर पैकेट उसी के पास है। सोचा नहीं था तुम इतने बेवकूफ हो। ना, तुम भी इतने बेवकूफ नहीं हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ जैसे तुम, और तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अच्छा एक काम करो, तुम मुझे गोली मार दो फिर अकेले खजाना ढूंढते रहना। ये क्या तमाशा है? ये खतरे की घंटी है। लोग आएंगे और मीलों दूर से तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। मुझे ढूंढने यहाँ कौन आने वाला है? विदेशी चालबाज। इसे बंद कैसे करते हैं? नहीं कर सकते, देर हो चुकी है। बड़े चालाक हो, उन्हें पता है तुम यहाँ हो? CIA को? मतलब जानते हो ना, इन लोगों के साथ कई और लोग भी होंगे। तुम चाहो तो शर्त लगा लो। ठीक है, अब तुम्हें टाइम मिल गया है। हम उसकी वाइफ के पास जाएंगे और पैकेट ले आएंगे। उसे मैं संभालूंगा, फिर हम निकल जाएंगे। मुझे उसमें बड़ी खुशी होगी। ये सब क्या हो रहा है? बताऊंगा, पहले यहां से निकल चलो। और चलो तुम्हारे घर से कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी, फिर इसे तुम्हारे पास छोड़कर चला जाऊंगा। मिस्टर वेब, वो जॉनथन, मेरा नाम जॉनथन है और मैंने पैकेट खोल लिया है। तुम्हें और तुम्हारे पति को इस क्रैश में इतनी दिलचस्पी क्यों है? कुछ लोगों को दिलचस्पी जरूर है लेकिन मुझे नहीं है। जल्दी करो, शहर चाहते हैं कि ये जगह जल्दी साफ कर दी जाए। लोगों से तुम्हारा मतलब? तुम्हारे पति के अलावा और कौन शामिल है? जेरेड ऑलिफेंट। क्या जेरेड और तुम्हारे पति इस फोटो में है? मैं नहीं जानती। चलो बम लगाना शुरू करो जल्दी। मैंने पहला बम लगा दिया है, चलो जल्दी करो, कोई सुराग नहीं बचना चाहिए। जल्दी, मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ ताकि जेरोम से बहुत दूर चली जाऊँ, बहुत दूर। मुझे पता है उन्होंने क्या किया है और क्यों। मैं एक साल से यहाँ से भागना चाहती हूँ और तुम्हारी मदद से अब हम यहाँ से भाग सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा जब तक तुम ये नहीं बताओगी कि उन्होंने प्लेन क्यों उड़ाया। जल्दी करो, सारे बम जल्दी फिट करो, चलो दोबारा आखिरी बम लगाओ जल्दी। हाँ मैंने लगा दिया आखिरी बम, चलो। 1982 में जेरोम ने एक कंपनी खोली थी यूनिफाइड ग्रोथ नाम की, जिसमें फर्टिलाइजर प्लांट्स बनते थे।
पर वो तो कुछ और ही था। बायोकेमिकल युद्ध का सामान और ये सारी मशीनें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के तहत आती थी, जिसे जेरेड ऑलिफिन चलाता था। यूनिफाइड ग्रोथ में एक हेड इंजीनियर था जिसने सब कुछ नोट कर लिया था। वो इस पूरी कार्यवाही का राज फाश करना चाहता था। एक और आदमी था, स्टीफन स्टॉकवेल। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। स्टीफन तब तक चुप रहा जब तक उसे सारी जानकारी नहीं मिल गई। वो ग्रीस जा रहा था पर पहुंचा नहीं। अगर मेरे पति को शक हो गया कि मेरा इससे कुछ लेना देना है तो वो मुझे मार डालेंगे, और उसे भी जो मेरे साथ मिला हुआ है। ये किस चीज की चाबी है? सच्चाई की। स्टीफन का नॉर्वे में एक छोटा सा घर है। जेरोम उसके बारे में कुछ नहीं जानता। स्टीफन ने वो कागजात छुपा दिए थे और मैं ही बची हूँ जिसे पता है वो कहाँ है। और मैं ये भी जानती हूँ कि जेरेड और जेरोम इसमें किस हद तक शामिल हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पेरिस और फिर नॉर्वे पहुँचा दूंगा। जानती हूँ ये आसान नहीं होगा। शुक्रिया। चाहूंगा कि तुम किसी से भी फोन पर बात मत करना, क्योंकि तुम्हारे पति ने फोन टैप करवाए हैं। टैप? उसे किसी तरह पता लग गया था कि हम बान में हैं। शायद उसे फोन पर कुछ सुना हो। तुम ये भी सोचना कि अपनी बेटी को क्या बताओगी कि मैं कौन हूँ और तुम मेरे साथ क्यों जा रही हो। ठीक है, गुड बाय। ओरिजिनल तुम्हारे हमेशा वाले अड्डे पर भिजवा दिए हैं। तुम फिक्र मत करो। हे, हम किसी और जगह चल सकते हैं जहां हम बात कर सके। वो लोग जा रहे हैं, जल्दी चलो।
आखिर हो क्या रहा है जॉन? क्या मतलब है? जेरेड कह रहा था तुमने काफी गड़बड़ी कर दी। उसने मुझे बता दिया कि पकड़े जाने के बाद तुमने क्या किया। डैड के नाम का इस्तेमाल करके तुम बच निकलना चाहते हो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। तो फिर तुम ही बताओ क्या हुआ। मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं, पर एक बात जरूर कहूंगा, वो लोग मुझे विदेशी बुलाते थे, खुफिया आदमी, बिना किसी सुराग के मुझे जासूसी के जुर्म में पकड़ा गया। डैड और जेरेड मुझे छुड़ा सकते थे, लेकिन जेरेड ने ऐसा होने नहीं दिया। अचानक जोनाथन गोल्ड की सारी जानकारी कहीं गायब हो जाती है। जेरेड ने मुझे रूसी जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। जेरेड यहां मिलेगा, वो जान गया होगा कि हम निकल चुके हैं। ठीक कहा। जेरेड, अब तुम्हारी उम्र नहीं कि तुम चोर पुलिस का खेल खेलो। अब तक तुम जान ही गए होगे कि मैं सब कुछ भुला चुका हूँ। एक काम करो जोनाथन, दफा हो जाओ, प्लेन में बैठो और चले जाओ, तुम्हारा काम खत्म। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं प्लेन में बैठा तो वो प्लेन क्रैश हो जाएगा? तुमसे कुछ नहीं छुप सकता है ना? इस टेप से अब कोई फायदा नहीं होने वाला है, देर हो चुकी है। तुम वाकई सोचते हो कि 16 साल बाद वो छोटी सी घटना मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? तो तुम गलत हो। तो ठीक है, एक छोटी सी सलाह देता हूँ, मेरे रास्ते में मत आना। मुझे पूरा यकीन है सही समय आने पर शॉन मेरा साथ देगा। पीछा तो नहीं कर रहे ना? लगता तो ऐसा ही है। सुनो, मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम जानते हो क्या करना है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये जगह ठीक है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अजीब बात है, हम दोनों अक्सर क्यों टकरा जाते हैं? क्योंकि तुमने मुझे उस पुराने बिल्डिंग में नहीं मारा था। यहाँ क्यों आए हो? उस राजकुमारी के खातिर? तुम कुछ नहीं जानते हो, उस राजकुमारी ने मुझे अपने पति को मारने का काम सौंपा था। खैर ये सारी बातें छोड़ो, तुम्हें ये अजीब इत्तेफाक नहीं लगता कि उसे हम दोनों के बारे में कैसे पता चल गया? उसे मेरे बारे में विदेशी से पता चला, उन्हें वो कैसे जानती थी मैं नहीं जानता। मैंने माके को बताया कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है और तुम ही ने उसे मारा है ना? वर्सा तक जाने का रास्ता तो बड़ा आसान था मेरे दोस्त, बस रूसियों से निपटो, पैकेट उठाओ और मुझे खत्म कर दो। हाँ तुम्हें तो वहाँ होना ही नहीं चाहिए था।
लेकिन मैं था। वो तुम्हारे दोस्त मार्के ने तुम्हें भेजा था क्योंकि तुम उसके खास टट्टू थे। वो जेरोम और वैन एकेन का चमचा था। अब तुम क्या करोगे? गोली चलाओगे? हैं? वहां पूरी फौज खड़ी है। अकेले अंदर जाना नामुमकिन है और तुम मेरे दोस्त अंदर जाना चाहते हो। हम साथ मिलकर अंदर जा सकते हैं। अंदर पहुंच जाए तो फिर जो चाहे करो, बस मुझसे और उस लड़की से दूर रहना। चलो चलते हैं। याद रखना, मैं तुम पर नजर रखूंगा, तुम्हारी हर चाल पर। और चलो। सात लोग हैं। सात लोग हैं। तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं? छह गोलियां। काफी दूर है, तुम एक्सपर्ट हो। ये लो। चीयर्स। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? ये अच्छी बात नहीं, लेकिन जो जैसा करता है उसे वैसा मिलना चाहिए। मिस्टर कोल्ड, मैंने ठीक कहा ना? बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। तुम्हारी बड़ी तारीफ की थी मेरे एक दोस्त ने, जिनका नाम अलेक्जेंडर मार्के है। मुझे लगा था तुम मेरे लिए कुछ लाए हो। नहीं, मेरेडिथ को दे दिया। हाँ।
बेहतर होगा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी की हालत के बारे में बता दूं मिसल। वो औरत काफी परेशान औरत है, मुझे ये सब नहीं सुनना और बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि ये तो साफ जाहिर है कि तुम भी उसकी बीमारी का शिकार हो गए हो। वो लोगों के जज्बात से खेलना बहुत अच्छी तरह से जानती है। मेरेडिथ ये भी बहुत अच्छी तरह से जानती है मिस्टर कोल्ड कि लोगों को अपनी सोची हुई हालत का शिकार बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए। वो मेरी बेटी को ले गई है मिस्टर कोल्ड, और उसकी हालत कैसी क्यों ना हो, उसे मैं उसके इस जुर्म के लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और स्टीफान, उसका क्या? वो मेरा बहुत ही अच्छा और प्यारा दोस्त था जब तक कि उसका तुम्हारी पत्नी से इश्क नहीं था। मुझे उनके रिश्ते के बारे में एक साल पहले ही पता चला था मिस्टर कोल्ड, और पता चलते ही उसके लिए मेरी सारी भावनाएं खत्म हो गई। तो फिर इसे सुनो, मैं चाहता हूं तुम इसे सुनो। कोई चीज हमारी तरफ बढ़ रही है, नहीं हो सकता, ये हमारी उड़ान के रास्ते में है। रडार चेक करो, कुछ नहीं, रुको, मुझे दिख रहा है, हो रहा 28,000 फीट की ऊंचाई पर वो हमसे टकराने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? तुम चाहे जो सोचो मिस्टर कोल्ड, पर मेरे अंदर इतनी ताकत है कि ऐसी भयानक घटना को मैं अंजाम दे सकूं। उसने तुम्हें यही बताया होगा कि इस घटना को अंजाम मैंने दिया है और कैसे। ये सारी वारदात उसकी बीमारी का नतीजा है, और पिछले 10 सालों से स्टीफान स्टॉकवेल उसका प्रेमी था मिस्टर कोल्ड। बस नहीं था तो केवल एक ईमानदार और एक अच्छी नीयत वाला इंसान। वो हमारा सबसे काबिल इंजीनियर था। वो जानता था उसे कितनी तनख्वाह मिलती है। उसकी सोच में बाद में फर्क क्यों आया, अगर आया भी तो मैं नहीं बता सकता क्यों। बदकिस्मती से उसकी मौत प्लेन क्रैश में हो गई, और मेरी पत्नी ने मान लिया कि वो मेरी साजिश थी और मैंने ही उसे मरवाया है। किसी चीज का सपना देखना और सपने को साकार करना दो अलग अलग बातें हैं मिस्टर कोल्ड। हाँ सच में, चाहे स्टीफान से मेरे कितने भी मनमुटाव रहे हो, मैं उसे मारने के लिए दर्जनों बेकसूर लोगों की जान नहीं ले सकता हूं मिस्टर कोल्ड। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, मेरेडिथ अपनी बात मनवाने में माहिर है। अब वो कहां पर है? मेरी पत्नी और बेटी को ढूंढो मिस्टर कोल्ड, ढूंढो उन्हें और मेरी बेटी को सही सलामत वापस लाओ। मैं मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं, और मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मंद रहूंगा मिस्टर कोल्ड। तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम ये काम उन्हें क्यों नहीं सौंपते? वो मैंने सुना है कि कल रात वॉर्सोव में मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त एक एक्सीडेंट में मारा गया। मेरे पास लोग खत्म हो रहे हैं। यकीन करो मैं तुम्हें मालामाल कर सकता हूं मिस्टर कोल्ड। मेरी बेटी को सही सलामत ले आओ किसी भी हिम्मत पर, और तुम्हारी पत्नी वो फैसला मैं अब तुम पर छोड़ता हूं।
ये हादसा ही लगना चाहिए। क्या मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें थी बुआ? कम से कम मैंने सोचा तुम वो पैकेट तो ले ही आओगे, पर कोई बात नहीं, यकीनन मिस्टर कोल्ड सारे काम कर देंगे, जो है ना। और हाँ, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पर अफसोस है, मेरे मालिक कुछ और ही सोचते हैं। यहाँ हूँ मेरी जान। लिफ्ट के लिए शुक्रिया, मुझे फार्म हाउस तक जाना है, वहां सड़क के उस तरफ। सब ठीक तो है? खिड़की से बाहर जाओ, जाओ जल्दी।
कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। इनसे काम चला लो। शुक्रिया। और ये सब जरा बंद रखना। बहुत सुंदर नजारा है। नजारा बाद में देखना, ठीक है? यकीन से कह सकती हूँ कि वाइन तुम्हें सूट नहीं करती। तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम विस्की वाले हो। क्या मतलब है? और तुमने मेरे घर की छानबीन और जासूसी करके क्या पता लगा? बस यही कि तुम घर में ज्यादा चीजें नहीं रखते। शुक्रिया। तुम्हारा परिवार है? एक भाई है। छोटा या तुमसे बड़ा? समझदार। देखो, मैं सिर्फ तुम्हें पेरिस से बाहर निकालने के बारे में सोचना चाहता हूँ। तुम्हारी मनपसंद कोई जगह है जहाँ तुम जाना चाहती हो? अमेरिका। ये तुम्हारा है? अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारे सबूत तो जल गए। हम उन्हें फिर इकट्ठा कर सकते हैं। मेरी बेटी यहाँ बहुत बोर हो रही है, हम इसे बाहर ले जाएं। वाकई बहुत सुंदर शहर है। क्या हो? हे, हे, छोड़ो सर, छोड़ो। क्या कर रहे हो? सड़कों पर काफी खतरा है, उन्होंने हमें देख लिया है। तुम्हें यहाँ से निकलना ही होगा। बैठ जाओ यहाँ, कहीं मत जाना। सुनो, तुमने हिलना मत। माँ बेटी जो यहाँ थे, उनको देखा है तुमने? नहीं तो। मेरेडिथ,
पंडित ने भेजा है। मैंने पैसे बदलवा लिए। दो बार तुम्हारे हाथों मरने के बाद कम से कम मैं इतना तो कर ही सकता था ना। माफ करना, पर तुम्हें पता है तीसरी कोशिश कामयाब होती है। This movie is encoded by Dr. Star. पैकेट वापस लाने के लिए शुक्रिया। अपने पति से बेटी को वापस लेने का यही एक तरीका था, पर अब सब खत्म हो गया है और मेरी बेटी मेरे पास है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हो सकता है जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो, मेरेडिथ। Thank you.
This movie is encoded by Dr. Star.